रोहतास जिले के डेहरी में एक महिला मरीज के ऑपरेशन के दौरान गलत ग्रुप के ब्लड चढ़ाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के गुस्से को देखकर निजी क्लिनिक के चिकित्सक और स्टाफ फरार हो गए हैं। दरअसल बाबूगंज की रहने वाली कंचन देवी का यूट्रेस का ऑपरेशन किया गया था। इलाज के दौरान बद्री देवी मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों द्वारा गलत ब्लड ग्रुप को मरीज को चढ़ा दिया गया था। कंचन देवी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, लेकिन लापरवाही के कारण B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, जिसके कारण महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो वाराणसी रेफर कर दिया गया। आनन फानन में बीमार महिला को नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कंचन देवी को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की बात कही। मामला ये है कि कंचन देवी का रिपोर्ट है और कंचन देवी का मामला ये है कि कंचन देवी का रिपोर्ट है और कंचन देवी का एक सप्ताह पहले यूट्रस का इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन में इनका जो ब्लड है हेमोग्लोबिन 10.8 है। इन्होंने ब्लड जांच करवाया, ब्लड में इन्होंने बताया कि B पॉजिटिव है कंचन देवी का। ए बी पॉजिटिव है। दूसरा, इनके पति का ब्लड लेकर करके एक यूनिट और इनके परिवार से लेकर के ये ब्लड चढ़ाया गया B पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ जब कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से दूसरे जगह ले जाइए। इन्होंने नारायण में रेफर किया, नारायण में कंचन देवी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। AB, ठीक है। नारायण स्पष्ट लिख करके दिया है कि ब्लड चढ़ाने के कारण मरीज की किडनी खराब हो गई है, जिससे इनकी हालत और बिगड़ जा रही है। बनारस नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने आरा मिल को आग के हवाले कर दिया। आग लगी में आरा मिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना के बाद मिल के मालिक ने बताया कि करीब 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। असामाजिक तत्वों ने किस कारण से आग लगाया है यह वजह सामने नहीं आ पाई है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने अंचलाधिकारी जिगनी गांव पहुंचे और पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए। अतिक्रमणकारियों पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कर दिया। इस दौरान चिलचिलाती धूप में करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक चलती रही। कुछ महिलाएं JCB मशीन के ऊपर भी चढ़ गईं। महिलाओं का कहना था कि यहाँ दर्जनों घर बिहार सरकार की जमीन पर बने हैं, लेकिन केवल 2 घरों को ही तोड़ा जा रहा है, हम लोग भूमिहीन हैं। महिला पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए हंगामे में आधा दर्जन महिलाएं घायल भी हो गई हैं। जानकारी देते हुए मोहनिया अंचलाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि अनुमंडलीय लोक निवारण पदाधिकारी के पास परिवाद दायर किया गया था, उस आदेश का पालन कर रहे थे। पदाधिकारी के आदेश के आलोक में 2 मकानों को तोड़ा गया है। नहीं, सही बात है, समझदारी से काम है। भीड़ भाड़ में थोड़ा होता है, जमीन नहीं ना, मिलेगा मिलेगा जमीन, अगर नहीं मिलेगा जमीन आपको तो कहिएगा, जमीन आप लोग को सबको मिलेगा। उधर अभी अभी उधर अभी अभी उधर मिला है ना, अगर जिसको जिसको नहीं मिला है उसको उसको मिलेगा। कल परसों आइए ब्लॉक को, बैठ के बात कर लीजिए, मिलेगा। गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोढ़ा गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले में पिछले कई दिनों से हो रही छिनतई और लूट की घटनाओं के बाद गया पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए कई खुलासे भी किए हैं। SSP आशीष भारती ने बताया कि कोतवाली, बोधगया, टिकारी, डोभी और अन्य थानों के छिनतई में शामिल कोढ़ा गैंग के 2 कुख्यात अपराधियों को कई दिनों के मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी शाखा को निर्देश दिया गया था। ये सभी अपराधी अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं और इन लोगों पर पूर्व से कई कांड बिहार के विभिन्न जिलों में दर्ज है। गया पुलिस के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विगत कुछ दिनों में जो व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल करके जा रहे होते थे, उनसे पैसा की छिनतई और झांसा दे करके चोरी की घटनाएं कुछ प्रतिबंधित हुई थी, खास करके शहरी इलाकों में। इसको लेकर के विशेष टीम बनाया गया था, जिसके द्वारा लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में यह
सूचना प्राप्त हुई कि कटिहार के कोढ़ा से कुछ अपराधकर्मी गया जिला में आकर के इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यह सूचना मिली कि उसमें से दो व्यक्ति जिसका नाम सोनू कुमार यादव उर्फ आकाश कुमार यादव तथा रोहित कुमार उर्फ रोहित यादव, दोनों जो कि नया टोला जुरावरगंज कोढ़ा के रहने वाले हैं, ये गया जिले में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और बैंक के बाहर ये रेकी कर रहे थे। इस सूचना प्राप्त होते ही तुरंत रामपुर थाना तथा विशेष टीम तकनीकी शाखा की विशेष टीम को इसमें लगाया गया और इनके द्वारा गया